परफेक्ट। सो आज का मेडिटेशन आईज क्लोज से स्टार्ट नहीं हो रहा है आपको, आपके ठीक सामने जो भी दीवार है वहां पे टकटकी लगानी है। टकटकी मतलब एक ही पॉइंट को देखते रहना है, और जब थोड़ा भारीपन आ जाए आंखों में तब आंखें बंद कर लेना। फोकस ऑन द वॉल। एंड क्लोज योर आईज। अब जो पॉइंट आपने बनाया था वहां पे वॉल पे, उसको एक कलर दे दीजिए, कोई भी कलर। अपने आसपास की हवा को महसूस कीजिए। अपनी सांसों की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने पैरों की छुअन को महसूस कीजिए। क्या चीज को छू पा रहे हैं आपके पैर? जमीन, चादर, स्लीपर्स। अब हम एक डीप ब्रेथ लेंगे और उस ब्रेथ के साथ साथ हम भी अपने शरीर के अंदर चले जाएंगे। एक डीप ब्रेथ लीजिए एंड हम अपनी बॉडी के अंदर हैं। हमें अपनी बॉडी के अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ा अंधेरा है। आपके देखिए दूसरे हाथ में एक टॉर्च है, उसको जलाइए। उससे ब्लू कलर की लाइट निकल रही है, द कलर ऑफ हीलिंग। ये लाइट जहां जहां गिरेगी हमें एकदम हील हो जाएगा। अपने दिल की धड़कन देखिए, अपने दिल को देखिए, धड़क रहा है, धड़कन सुनाई दे रही है आपको। ब्लू कलर का दिल दिख रहा है। अंदर पूरा फैक्ट्री के जैसे काम चल रहा है। जो खाना खाया था वो पच रहा है, खून फ्लो हो रहा है अपनी रगों में। कहीं पे सेल्स डेड हो रहे हैं तो कहीं पे नए सेल्स बन रहे हैं। आपकी किडनीज, लीवर सब काम पे लगे हुए हैं। हर किसी बॉडी ऑर्गन पे आप अपना फोकस लेके जाइए इस ब्लू लाइट का। जहां जहां ये लाइट गिर रही है हम हील हो रहे हैं। अपने एरिया ऑफ चैलेंज पे ये लाइट गिराना मत भूलना। जहां भी आपको चैलेंज आता है अक्सर, वहां पे जरूर ये लाइट गिराना। द लाइट ऑफ हीलिंग। अपने फॉरहेड और बालों को मत भूलना। आंखें, गाल, मुंह, दांत, कान, जहां जहां ये लाइट जा रही है वहां वहां हमें हीलिंग एक्सपीरियंस हो रही है। ब्रेथ
डी-स्ट्रेस हो रहे हैं हमारे सारे मसल्स, हमारी गर्दन, हमारा गला, हमारे कंधे, पूरे दिन की जो थकान से जकड़न आ गई थी, अकड़न आ गई थी, वो एकदम डी-स्ट्रेस हो रहा है, सारा डिस्कम्फर्ट हट रहा है। एकदम प्योर हेल्दी बन रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। अपने रेस्पिरेटरी एरिया और एब्डोमिनल एरिया पे लाइट ज़रूर लगाइएगा, ये हमारे को एकदम रिलैक्स कर रही है लाइट, गो डीपर एंड डीपर, एक एक नस, एक एक रग रग पे इस लाइट का फोकस डालिएगा, एक एक मसल पे, एक एक सेल पे डालिएगा, अपने आप को रिलैक्स्ड देखिए, देखिए आप अपने आप को महसूस कीजिए, एकदम रिलैक्स हो गए हैं। योर बॉडी इज हीलिंग। अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सभी पे लाइट डालिए। एवरी मसल, एवरी ऑर्गन, एवरी सेल, एवरी इंच, गो डीपर एंड डीपर, सब जगह काम चल रहा है, लेकिन आप सब काम को बिना डिस्टर्ब किए वो लाइट देते जाइए। सारे तनाव मिट रहे हैं, सारी मसल टेंशन हट रही है, आपको और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स महसूस हो रहा है। आपके हिप्स, थाइस, जॉइंट्स, नीज, काफ मसल, हाथ पैर, पूरे सब पे लाइट दीजिए। अपने आप को हील करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत रिलैक्स भी लग रहा है। आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल है। आपके फॉरहेड पे देखिए एक छोटी सी बॉल बनी हुई है, जहाँ पे हमारे तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, एक छोटी सी रिलैक्सेशन बॉल है। इसको बड़ा करेंगे, एनलार्ज इट स्लोली, धीमे धीमे इसका साइज बड़ा होगा और हम इसके अंदर समाते चले जाएंगे। योर बॉडी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द बॉल। आप बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं, धीमे धीमे बढ़ा कीजिए, धीमे धीमे एकदम, आपका चेहरा, आपका बस्ट एरिया,
एब्डोमेन एरिया तक आ गया पूरा अंदर, एकदम धीमे धीमे, वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्सिंग। हमारे लेग्स भी आ गए उसके अंदर, हैंड्स भी आ गए उस बॉल के अंदर, एंड नाउ वी आर इनसाइड द बॉल, बॉल ऑफ रिलैक्सेशन। हमारे चारों ओर एक सर्किल है, वी आर इन द मिडल ऑफ इट, टोटली रिलैक्स्ड, टोटली कंफर्टेबल, टोटली हील्ड, टोटली हैप्पी, हेल्दी। आप अपना ध्यान अपने हार्ट पे लेके जाइए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनके बारे में सोच के ये जो फीलिंग आ रही है प्यार की, इस प्यार की फीलिंग को एक कलर दे दीजिए, आपका मन का कोई भी चॉइस का कलर, अ ब्यूटिफुल कलर टू अ ब्यूटिफुल फीलिंग। इसको एक शेप भी दीजिए, इस फीलिंग को बॉल बॉल बना दीजिए इसको। आपके हार्ट में ये फीलिंग बॉल शेप की, आपके फेवरेट कलर की। अब इस प्यार को हम दिल से बड़ा करेंगे, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, कवरिंग योर चेस्ट एरिया एंड स्लोली कवरिंग योर बॉडी। धीमे धीमे सर्किल बड़ा हो रहा है, पहले आपका चेस्ट एरिया कवर हुआ, फिर आपकी पूरी बॉडी कवर हो रही है। जैसे जैसे ये पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, पूरी बॉडी उसी कलर की हो रही है, प्यार के कलर की। अपने हर बॉडी पार्ट, हर बॉडी ऑर्गन में अपने प्यार की फीलिंग को भेजिए, अपने प्यार की एनर्जी को भेजिए। फील द एनर्जी ऑफ लव। जैसे जैसे मैं काउंट करूं, वैसे वैसे अपने प्यार की इंटेंसिटी को बढ़ाइएगा, और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अपने प्यार को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उस प्यार का कलर, उस फीलिंग का कलर गहरा और गहरा होता चला जाएगा। सो वन, टू, थ्री, कवर योर बॉडी, होल बॉडी, पूरी बॉडी में एक-एक अंग, एक-एक पार्ट इसी कलर का, इसी एनर्जी में वाइब्रेट होते हुए। फोर, महसूस कीजिए अपने प्यार को। फाइव, और इंक्रीज कीजिए इंटेंसिटी। सिक्स, हायर एंड हायर। सेवन, यू आर वेरी हैप्पी। एट, बी इन दैट लव। नाइन, सरेंडर योर सेल्फ टू दिस फीलिंग। अपने आप को एकदम नतमस्तक कर दीजिए इस फीलिंग को, एंड टेक इट टू द हाइएस्ट लेवल। 10, इतना गहरा प्यार का कलर, वो कलर हमारी पूरी रगों में दौड़ते हुए, पूरी बॉडी हमारी उसी रंग में, पूरी बॉडी उसी एनर्जी में। एक्सपीरियंस दिस, इसको महसूस कीजिए, अपने प्यार की एनर्जी को महसूस कीजिए, फील कीजिए।
जब तक मैं ना बोलूं आंखें मत खोलिएगा, अपने प्यार की एनर्जी को फील करिए, अपने एक एक बॉडी पार्ट को प्यार कीजिए। प्यार करते करते थैंक यू भी कहिए उसको। हमारी स्किन की सातों लेयर, एवरी सेल, सबको थैंक यू, आई लव यू। अपने आसपास की हवा को महसूस कीजिए, अपने पैरों की छुअन को महसूस कीजिए, अपनी सांसों की आवाज को सुनिए। जब भी कंफर्टेबल लगे दोनों हाथों को रख करके आंखों पे लगा के आंखें खोल सकते हैं। एवरीबडी बैक, इनफैक्ट एवरीबडी इज बैक। यस, हाउ वाज इट मीनाक्षी? हाँ जी लालवानी। हेलो जी आज तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा।
मतलब मैं ऑटोमेटिकली ऐसे चेयर पे बैठी थी और ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे 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 कब मैं रिलैक्स हो गई मुझे कुछ नहीं पता चला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ओके थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मीनल। ओके मीनल आज का तो मतलब सेशन इतना चल रहा है कि मतलब पूरी बॉडी लाइट फील कर रही थी। मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे हवा में नहीं उड़ते, फील कि अपने लाइट आप ही। हाँ, मतलब इस तरीके से, और कुछ हाथों में से और लेग्स में से एनर्जी फील हो रहा था, ठंडा ठंडा या कुछ भी बोलो, कुछ महसूस हो रहा था। जी, वंडरफुल, थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। सोनू आंटी, हाँ, मुझे इतनी खुजली हो रही थी अंदर, इतनी खुजली, मतलब अम्बा जी अभी बंद कर इतनी खुजली तो मैंने बीच में तो खांसी कर दी अभी एक बार। बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया जी पूरा, यहाँ से लेकर पूरा अंदर तक कैसे, और एक बार तो पूरा स्वेट भी हो गई, फिर जी बाद में पता चला कि थोड़ी सी हवा लगी और सब अभी भी चल रहा जी पानी पीजिए। है। ओ थैंक बहुत यू वेरी वेरी गुड मच, एक्सपीरियंस, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच। मीनाक्षी, आपने कुछ यू। बोलना हाँ है? हाँ यस, मुझे बोलना था, मुझे अभी ना थोड़ी देर पहले नी में एक चैलेंज था, वो जी, अभी मैं फील कर रही हूँ वो है नहीं। थैंक क्या बात है, वंडरफुल, यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। यस, एनीवन एल्स? नाम लेने की पूछना पड़ेगा क्या मुझे? मैम मैं जी बता रही थी कि पाँव में बहुत जैसे क्रैम्प जैसे आ रहे थे बहुत ज्यादा, मतलब उससे मेरा ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हुआ। ओके। हाँ आज कुछ ज्यादा खड़े वड़े रह के काम कर लिया या ऐसा कुछ हो गया क्या? मतलब पैरों में आज कुछ एनर्जी ब्लॉक हुई है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ आज मैं काफी 10-12 किलोमीटर ओ पैदल चली हूँ। हाँ, राइट राइट राइट, इसीलिए इसीलिए हुआ, वो इसीलिए हुआ। अच्छा, तो उसकी वजह से कई बार ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हुआ, जैसे आपने बोला ना हार्ट वाला वो शेप बनाना, और मुझे उस समय कुछ पता ही नहीं चला, मतलब कोई मैं बात वो नहीं, मिस कोई हो गया रिलैक्स, मेरा, कोई बात नहीं। मुझे मेडिटेशन एक बार चाहिएगा। श्योर श्योर श्योर, आई विल सेंड इट। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सीमा जी कुछ कह रहे? थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स लगा, और ऐसा ब्लू ब्लू सब दिख रहा था, मतलब एकदम ऐसा आप बोल रहे थे ना वैसा, वो बॉल के अंदर। बहुत वो एक मूवी है ना जिसमें सब ब्लू ब्लू रहते कैरेक्टर्स, नाम नहीं ले सकते अभी, यूट्यूब पे अच्छा अपलोड लग रहा था, करना। ऐसा लग रहा था। थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? वंदना, हाँ जी, जैसे ना आज का माइक अमेजिंग आगे लो बच्चे। मैं कह रही हूँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा आज का। बस है ना, जैसे मैंने जो कलर चूज किया था वो ग्रीन, मतलब जब पूरी बॉडी में लेना था तो वो मेरे ना जाले बन रहे थे ऊन के ऐसे गोल गोल, उसमें जा रही थी बॉल की जगह, फर्स्ट तो ये रहा। और मैंने ना हार्ट का जो सबसे प्यारा पर्सन होता है उसके लिए मैंने पिंक चूज किया था, और वो रानी में कन्वर्ट जैसे हुआ तो मुझे ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से गुलाब के फूलों की खुशबू अपने आप ही आए जा रही थी। मैंने कहा आंख, फिर आपने कहा ठंडी हवा वाली बात, तो वो ऑफ कोर्स वो मुझे फील भी हुआ, मतलब अपने आप पूरा ठंडक फील सब चीजें हुई। बस एक जगह जो हुआ, एक तो ये बुनने वाला आया ग्रीन वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, वो पता नहीं कैसे, और एक मैं हार्ट को, हार्ट और बॉल को बॉल इमेज नहीं कर पा रही थी, बट चीजें फिल हो रही थी सारी, और एट द एंड झंझनाट तो वो मेरा हो ही रहा था, तो वो अच्छा रहा बट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच गुड मैम, गुड गुड, और आज डीप थैंक फीलिंग भी रही बहुत ज्यादा, तो यू, थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू। किसी को ऐसा कुछ हुआ कि भाई चैलेंज एरिया में लेके गए और आपको वहां पे एनर्जी महसूस हुई, सिहत महसूस हुई, झंझनाहट महसूस हुई? चैलेंज एरिया में अगर आप लाइट लेके गए तो? हाँ, मुझे हल्का सा हुआ लिप्स के अंदर यस जो यस आपको पता यस, है। हाँ मीनाक्षी को भी हुआ, वंडरफुल, चलो गुड गुड। सो दिस इज द पर्पस। सो जहाँ भी चैलेंज आए वहाँ पे अगर ज़्यादा समय है आपके पास में तो ये वाला कर लीजिए, कम समय है तो फिर आप लोग वो NLP वाला कर लीजिए जिसमें अपन ने चार वो फीचर्स दिए थे, एट्रीब्यूट्स दिए थे उसको, और फिर बदल दिए थे उन एट्रीब्यूट्स को, फिर गोली से उड़ा दिया था, वो वाला कर लीजिएगा, ठीक है? सो बोथ आर हेल्पफुल, कभी भी कोई भी चैलेंज हो
डेफिनेटली दोनों काम करते हैं। एंड जितनी बार करोगे उतना जल्दी जल्दी इस दिमाग को ये समझ में आएगा कि अरे ये तो हील हो गया, अरे ये तो हील हो गया, एंड दैट इज व्हाट विल ब्रिंग द हीलिंग टुवर्ड्स यू। एक बार बस ये दिमाग में बात बैठनी जरूरी है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बस फिर वो अपने आप अट्रैक्ट कर देता है अपने लिए। ओके, चैट बॉक्स में मैसेजेस, मैम आई विल ट्राई टू डू इट वंस अगेन फॉर श्योर टुमारो। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, लाइट फील हुआ, थैंक यू मैम, थैंक यू दीपा जी, वंडरफुल फीलिंग इट वॉज, ऑल दो आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, ब्ला 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 ब्ला। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऐसा लग रहा है बॉडी स्पा से आई। यस महालक्ष्मी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो चैट बॉक्स में लिखती हूँ, मेरे को पढ़ना और पड़ जाता है ये, और एक और मेरे काम बढ़ाते हैं सब लोग। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन टूडे, सी ऑल टुमारो एट 9 o'clock, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज टाइम से लॉग इन कर लिया करें। एंड अब डे बाई डे विजुअलाइजेशन हैं क्योंकि चैप्टर्स अब छोटे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ होगा। सो कल का चैप्टर लंबा है, परसों होगा, कल का लंबा है, परसों होगा। यस, सी ऑल टुमारो, बाय बाय। मैम वो वाला कह रहे थे क्या जो टेक्सचर वाला था?